कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 136 ईयर्स अगो टुडे सोनिया ने दावा किया इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एंड एस्टैब्लिश्ड जिसके खिलाफ कांग्रेस हर हाल में लड़ेगी. इट हैज कंफ्रंटेड सेवरल चैलेंजेस एंड कार्यक्रम में शामिल होने के बाद ऑलवेज डेमोंस्ट्रेटेड इट्स रेजिलियंस. Today, we rededicate ourselves to the ideals, values and principles. हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं. कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है. कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है. आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस और उसके तमाम नेताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, संघर्ष किया, जेलों में कठोर यातनाएं झेली और बहुत से देशभक्तों ने अपने प्राणों तक का बलिदान किया. तब जाकर कहीं हमें आज़ादी मिली. आज़ादी के बाद हमें जो भारत मिला उसकी कल्पना करना कठिन है, लेकिन हमारे महान नेताओं ने बड़ी सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के साथ भारत के नवनिर्माण की एक मजबूत बुनियाद रखी, जिस पर चलकर हमने एक सशक्त भारत खड़ी किया. एक ऐसा भारत जिसमें सभी देशवासियों के अधिकारों और हितों का ध्यान रखा गया. जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते. आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमजोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है. इतिहास को झुठलाया जा रहा है. हमारी विरासत गंगा जामुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है. देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है. लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है. ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती. देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी. आम जन मानस के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए देश विरोधी, समाज विरोधी साजिशों के खिलाफ हर संघर्ष करेगी, हर कुर्बानी देगी. आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर एक एक कांग्रेस जन को यही संकल्प लेना है और कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाना है. इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को कांग्रेस स्थापना दिवस पर और आने वाले नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. जय हिंद, जय कांग्रेस.